कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना यूनिट ने करीमनगर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने और उसके कायदीन पर जुबानी हमला करने, जो पार्टी के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है। साथियों, करप्शन एक ऐसी फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों ही एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, बीआरएस वाले कांग्रेस पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाते थे ना, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे कभी जांच करवाई क्या? कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी? ये आए दिन हंगामा भी करते थे, लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है, करप्शन। कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है एपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है।